Hey guys, recently मैंने टेक्नो गेमर्स को कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 3 खेलते हुए देखा, जिसके उन्होंने लगातार 3 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। अब मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था कि क्या ये गेम पॉसिबल है टू प्ले इन मोबाइल फोन। सो यस, एनवीडिया जीफोर्स के क्लाउड गेमिंग की मदद से, जो कि मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है, पर अभी के लिए ये एप्लीकेशन सिर्फ सपोर्ट करती है USA में। तो हम कैसे इसे इंडिया में प्ले करेंगे, किस तरह से साइन इन करेंगे, पूरा प्रोसेस मैंने टाइम चैप्टर्स में डिवाइडेड करके प्रोवाइड करवा रखा है, जो अब देख लेते हैं रियल प्रोसेस। तो सबसे पहले तुम लोगों को एनवीडिया का जीफोर्स नाउ एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब ये प्ले स्टोर के ऊपर तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये इंडिया में है ही नहीं, तो इसे तुम लोग डाउनलोड ही नहीं कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो इसे डाउनलोड करने के लिए तुम लोगों को कमेंट बॉक्स का लिंक चेक कर लेना, वहां पे मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इस एप्लीकेशन का। जैसे ही तुम लोग डाउनलोड कर लेते हो, तुम्हें अपने मोबाइल में एक VPN को इंस्टॉल कर लेना। मैं अभी के टाइम पे ट्राई कर रहा हूँ प्रोटोन VPN की सर्विस, जो कि सेफ है और स्ट्रॉन्ग है, और इसमें तुम लोगों को USA का सर्वर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो तुम्हें चेंज कर करके इस तरह से शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे तुम्हारा USA के साथ कनेक्टेड हो जाता है, तुम्हें GeForce की एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और यहाँ पे गेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ना, तुम्हें अपना अकाउंट यहाँ पे साइन इन करना है, वो भी NVIDIA GeForce का। अगर तुम्हारे पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हो। तो मेरे पास पहले से है, तो मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद ये थोड़ा टाइम प्रोसेस लेगा, क्योंकि हमने अभी के टाइम पे अपने वाईफाई के साथ VPN की सर्विस ले रखी है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे तुम लोगों का यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, तुम्हारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिखने लग पड़ेगा तुम्हें, जहाँ पे तुम लोग अभी के टाइम पे फ्री यूजर हो इस एप्लीकेशन के, तो तुम लोग यहाँ पर फ्री टू प्ले गेम्स को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, लाइक क्वारजोन मोबाइल और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो कि स्ट्रीम के ऊपर फ्री में मिलती है, या फिर PC प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी के टाइम पे फ्री में तुम लोग क्लेम और प्ले कर सकते हो। तो अभी के टाइम के लिए हम लोग जा रहे हैं COD के साथ, और जिसमें हम लोगों को COD मॉडर्न वारफेयर 3 भी मिल जाती है और साथ में वारजोन भी मिल जाती है। जैसे ही तुम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो, तुम लोगों को इसके प्ले के साथ में जो बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा एड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्यू देखने के लिए मिल जाएगा तुम लोगों को। मेरे भी कुछ नंबर्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, लाइक 15, तो ये तुम्हारा कुछ 5 मिनट में ओवर हो जाएगा और तुम लोग गेम के अंदर पहुंच जाओगे। जैसे ये तुम्हारा ओवर हो जाता है, अब यहाँ पे ये कहेगा कि तुम्हें स्ट्रीम का अकाउंट यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास है तो तुम लोग यहाँ पर उसे साइन इन कर सकते हो, या फिर इस एप्लीकेशन को ऑन करने से पहले ये स्ट्रीम का अकाउंट पहले से क्रिएट करके रख लेना। स्ट्रीम का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा, क्योंकि COD खेलते टाइम ये चीज ये पूछता है, एरर आता है थोड़ा सा, तो उसे पहले कंप्लीट कर लेना। और साथ में वारजोन गेम में भी एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है COD गेम्स को खेलने के लिए, तो उसे भी तुम लोग पहले से ही साइन अप करके रख लेना और फिर डायरेक्ट यहाँ पर सीधा आराम से पेस्ट कर देना। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रीम का भी अकाउंट लॉग इन कर लिया है, मैं वारजोन के ऊपर क्लिक करके इसे लॉन्च कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉन्च करते ही तुम लोग देख सकते हो ये थोड़ी सी आएगी वेरिफिकेशन वगैरह, ये थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा टाइम टेकिंग लेगा। अब यहाँ पे तुम लोग कीबोर्ड के साथ भी खेल सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नली अगर तुम लोग उसे कनेक्ट कर सकते हो माउस कीबोर्ड को, तो सबसे सही है। अदरवाइज यहाँ पर हम लोगों को गेम पैड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो तुम लोग ये कंट्रोलर्स ले सकते हो। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी कि ना, तुम्हें यहाँ पर प्ले विद एन एक्टिवेशन अकाउंट इनका लॉगिन करना पड़ता है, कि जब भी तुम लोगों को वारजोन की गेम्स खेलनी हो, COD की गेम्स खेलनी हो, तो तुम लोगों को इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं इसे जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल ही है, तुम लोगों को बस ईमेल भरना है, पासवर्ड भरना है और यूज़र नेम यहाँ पे पहले से फिल होगा, क्योंकि तुम लोगों ने स्ट्रीम का अकाउंट यहाँ पर साइन इन करा है। ठीक है, जैसे ही ये हो जाएगा, तुम लोगों को ये स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। अब यहाँ पे तुम लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल भी देखने को मिल जाता है, जो कि अनलॉक है यहाँ पर, और बाकी की गेम्स तुम लोगों को यहाँ पर लॉक देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इनमें से जो लॉक गेम्स आ जाती है, लाइक COD मॉडर्न वारफेयर 3, जो कि स्ट्रीम के ऊपर कुछ प्राइस में मिलती है, तो इसे तुम लोग यहाँ पर नहीं लॉन्च कर सकते हो, तुम लोग समझदार हो आगे। और अभी के लिए हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसके एक्सपीरियंस को देखने के लिए अब COD वारजोन गेम को।
आप इन स्टेप्स को फॉलो करके लॉन्च कर सकते हो इस लॉन्चर में, ठीक है। ये थोड़े से स्टेप को फॉलो कर लेना जिससे तुम लोग इजीली गेम तक पहुंच जाओगे। बैटल पास सीजन 4 के ऊपर पहुंचते ही आप लोगों को एक क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। अब आगे आप लोगों को यहाँ पे बी के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये एक बैनर है कि हमारा बैटल पास खरीद लो, एक प्रमोशन लाइक है, ठीक है। जैसे हमें न्यू इवेंट्स के बारे में बताया जाता है गेम्स में, अभी हम लोगों को इसे स्किप करना है, तो स्किप करने के लिए हमें इसके ऊपर बी के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ से फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी हमें फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि हमारा बैटल पास मैप के बारे में जानकारी दे रहा है। अब जब हम लोगों को ये वाला इंटरफेस देखने मिलता है, हम लोगों को HQ वाली सेक्शन में जाना है। उसमें जाने के लिए हम लोगों को LB के ऊपर क्लिक करना है, और अब यहाँ से हम लोगों को सारे गेम मोड्स और गेम्स COD की देखने के लिए मिल जाती है। अब हमें यहाँ से लॉन्च करनी है वारजोन मोबाइल, तो वारजोन मोबाइल को लॉन्च करने के लिए हमें राइट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते जाना है, जिसके ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ, और लास्ट में हमें अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगी वारजोन गेम। अब लास्ट में ये हमसे एक परमिशन मांगेगा, 3 चेकबॉक्स होंगे, उन्हें हम लोगों को टिक करके कंटिन्यू करके हमें वारजोन गेम की लॉबी देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैच मेकिंग के लिए हम लोगों को सिर्फ ए के ऊपर क्लिक करना है, डाउन में हमें सर्चिंग फॉर प्लेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब गेम में मेरे को कैसा एक्सपीरियंस मिला? अब कहा जाए तो ना, इसके तुम लोग बटन के इनपुट देख सकते हो, मिनटों सेकेंडों में हर एक फंक्शन हो रहा है। पर जैसे ही मैं गेम में पहुंचा, मेरे को इतना कंट्रोल्स के बारे में पता नहीं था, और सामने थे प्रो प्लेयर्स, टपका डाला मेरे को। और दूसरी बार मेरे को प्लेन में बैठे बैठे उतरते टाइम ही PPN ने अपना रूप दिखा दिया, और ट्रबल शूट देखने के लिए मिल गया मुझे। पर बाकी NVIDIA के इस क्लाउड गेमिंग से हम लोग फ्री में इस तरह के गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। और बात करी जाए इस क्लाउड गेमिंग की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अभी के टाइम पर इसकी सब्सक्रिप्शन तुम लोग मत ही लो, क्योंकि ये महंगी है और अभी के टाइम पर ये इंडिया में लॉन्च नहीं है। तो ट्रांजेक्शन करते समय तुम्हारी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो सकती है इस सब्सक्रिप्शन को लेते समय, और अगर फेल्ड होती है तो तुम्हारी मनी रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो फ्री के साथ चलो अभी के टाइम पर, और COD मॉडर्न वॉरफेयर 3 खेलने के लिए तुम लोगों के पास स्ट्रीम में ये गेम परचेस्ड होना चाहिए, और उस अकाउंट को लगाकर तुम लोग इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 एंजॉय कर सकते हो। आशा करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू।